नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार में महागठबंधन की सरकार बन चुकी है और अब ऐसे में मंत्रिमंडल विस्तार होने के ठीक बाद जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनका निशाना सीधा नीतीश कुमार के इस मंत्रिमंडल विस्तार पर है कि अति पिछड़ों को सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, अति पिछड़ों को ठग लिया गया है, ये इल्ज़ाम लगाया है आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी ने। आपको बता दें, आम जनता पार्टी की ओर से ये कहा गया है कि आने वाले 25 अगस्त को विधानसभा घेराव किया जाएगा, विधानसभा मार्च किया जाएगा, सबको उतरने की तैयारी है। मंत्रिमंडल में अति पिछड़ा समाज से जितने लोग होने चाहिए थे उतने लोग हैं नहीं, यानी कि सिर्फ अति पिछड़ा समाज का वोट लेकर उन्हें ठगा जा रहा है इस महागठबंधन की सरकार द्वारा, ये इल्ज़ाम लगाया गया। क्या कुछ कहे थे विद्यापति चंद्रवंशी, जरा सुनिए। मंडल में जो आज मंत्रिमंडल का गठन हुआ है उस गठन में उसकी उपेक्षा की गई है, इसलिए हमने आम जनता पार्टी राष्ट्र ने ये प्रेस वार्ता बुलाया है। और आपसे मैं बता दूं कि आज जो बिहार की राजनीति में अति पिछड़ा समाज है, वो अति पिछड़ा समाज अपनी हिस्सेदारी की मांग कर रहा है। आज जब भी चुनाव होता है तो इस समाज के लोगों को, अति पिछड़ा वर्ग के लोगों को उपेक्षित किया जाता है, उसे टिकट नहीं दिया जाता है। इतनी बड़ी आबादी से सिर्फ वोट लेने का काम हो रहा है, अति पिछड़ा वर्ग को टिकट नहीं दिया जाता है, जिसके कारण कि वहीं से उसकी प्रतिनिधित्व कमती है। और मेरा कहना है कि जब अति पिछड़ा समाज से वोट लेने की बात होती है तो सरकार, सभी पार्टियां चाहती है कि अति पिछड़ा समाज को हम कैसे प्रभावित करें, कैसे लुभाएं कि उसके वोट को हम प्राप्त कर सकें। मेरा ये कहना है कि अति पिछड़ा समाज इस बार जो सरकार बनाने में मंत्री मंडल का जो गठन हुआ है इसमें जो उपेक्षा हुई है, इस बार यदि हम जोड़ते हैं तो कुल 42 विभाग बनता है। 42 विभाग में 5 विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी और 4 विभाग तेजस्वी जी ने अपने पास रखा है। तो मेरा ये कहना है कि 5 और 4 इन लोगों ने अपने पास रखा है, उसमें से भी अति पिछड़ा समाज को कुछ विभाग दिया जा सकता था, लेकिन वहाँ भी उसकी उपेक्षा की गई है। मेरा यह भी कहना है कि अगर हम प्रतिशत में देखते हैं कि अति पिछड़ा समाज को कितना प्रतिशत भागीदारी मंत्री परिषद में दिया गया, मंत्रिमंडल में दिया गया, तो आज देखने से आ रहा है 3% की भागीदारी। क्या ये उचित है? अगर हम इसको देखते हैं तो 3% की भागीदारी लगभग जो मिली है आज अति पिछड़ा समाज को मंत्रिमंडल में, ये नाकाफी है। और इसलिए हम लोगों ने महसूस किया और अति पिछड़ा समाज के जो लोग हैं उन लोगों में काफ़ी आक्रोश है इस विषय पर कि आज हमारी, जहाँ तक हमारी जनसंख्या है जिस हिसाब से, उस हिसाब से हम लोगों को भागीदारी नहीं मिल रही है। इसलिए इस बातों को बताने के लिए और जो हम लोगों के पास, पार्टी के पास ये दबाव बन रहा है कि इस मुद्दे को आपको सरकार के समक्ष रखना जरूरी है, क्योंकि हम लोग कितने दिन इस तरह से उपेक्षा बर्दाश्त करें। तो मेरा ये कहना है कि इस तरह की भागीदारी का हम लोग विरोध करते हैं। और इस तरह जो मंत्रिमंडल का गठन किया गया है, ये गठन में जो अति पिछड़ा समाज है उसकी जो उपेक्षा की गई है, ये बहुत गलत हुआ है और इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ सकता है, इसलिए मेरा ये कहना है। तो क्या कुछ इल्जाम लगाया है महागठबंधन की मौजूदा सरकार पर, आपने सुना है। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में जैसे जैसे जब सत्ता पर उंगली उठती है तो जवाब भी सामने से निकल के आता है, तो क्या कोई अति पिछड़ा समाज के ही नेता आगे आकर इन सवालों पर मुखर होकर अपनी बातों को रख पाएंगे? रखेंगे ही रखेंगे, कब तक रखेंगे ये देखना होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।